अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको हम करते हैं वेलकम अपने एक अनदर ब्लॉग के अंदर। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। हम इस वक्त यूनिवर्सिटी आए हुए हैं और आज का जो वो समझ लें कि मेजर टॉपिक है ना, वो ये है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच। अरे कहना क्या चाहते हो? यूनिवर्सिटी के बिल्कुल हमारे बराबर में नेशनल स्टेडियम है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी खतरनाक और इतनी सख्त सिक्योरिटी है कि हम अपनी पार्किंग के अंदर बाइक्स वगैरह भी यह कि खड़ी नहीं कर सकते। ये बड़ा मसला है और ये बहुत मेजर मसला है, आप यूँ कह सकते हैं मेजर मसला है। तो हम वो गए डीसी ऑफिस, गए मशीन सेंटर डीसी ऑफिस, जाके हमने अपनी बाइकों को पार्क किया और बड़ी मुश्किलों के साथ अभी आके हम लोग ये समझ लें कि अपने लैब मैनुअल्स वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। कि यार ये भी एक टेंशन है भाई, ये ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि टेंशन है हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो अभी फिलहाल इन टेंशन को भी हम पहले करेंगे दूर, उसके बाद जाएंगे हम दूसरी टेंशन की तरफ, बोले तो मैच देखने के लिए। क्योंकि उसके अंदर जो हमें टेंशन का सामना करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान मैच जीतेगा। बताना चाहते हैं कि भाई जो यूनिवर्सिटी हमारे जो पासिस हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि जो मैच के पासिस हैं वो ज़्यादा महंगा तो नहीं है। मेरे ख्याल से VIP जो है वो 1500 का है और जो जनरल है वो 250 का है। तो बहरहाल हम लोग यार अपनी औकात के हिसाब से जाएंगे ना यार, 250 वाले पे जाएंगे और ये पासिस हमें यूनिवर्सिटी दे रही है भाई, सबसे मेन चीज़ ये है। असंभव 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 यूनिवर्सिटी दे रही है पासिस, समझ रहे नहीं समझ रहे थे। अभी फिलहाल ये है कि हम लोग अपने मैनुअल्स वगैरह कंप्लीट करें ताकि ये टेंशन खत्म हो, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 बजे के दरमियान हम लोग नेशनल स्टेडियम की तरफ बढ़ेंगे और आप लोग हमसे कनेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह ब्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और बड़ा मज़ा आने वाला है। तो स्टे कनेक्ट एंड स्टे एंजॉय। 6.5 hours later. और इंट्रेंस पे भी देख सकते हैं आपकी चेकिंग हो रही है और बड़ी सख्त चेकिंग हो रही है। भैया देखो अभी फ़िलहाल टिकट मिला है और लाइन चेक करें कितनी लंबी है। अभी फ़िलहाल इतनी लंबी तो नहीं है, फिलहाल चेकिंग वगैरह चल रही है और तो भाई फाइनली वी गॉट वेरीफाइड हो गए। अच्छा एक और चीज़ दिखाते हैं, ये देखें तुम ही दिखाओ। हाँ ये देखो तारीख, तुम ही दिखाओ। तो भाई फाइनली वी आर इन द ग्राउंड और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे मैंने वाला तो गलत पढ़ दिया मैच देखने के लिए। अभी हम लोग नहीं मैच देखने जा रहे हैं, लेकिन मैच के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, एक VIP कैटेगरी है और हम जैसे गरीब लोग जनरल कैटेगरी के अंदर बैठे हैं। फ्री वाले टिकट है ना यार। तो अभी यहाँ पर एक इकबाल कासिम है और एक नसीमुल गनी है, अब देखते हैं किस साइड से हमें अंदर जाना है। बहरहाल रश वगैरह अभी फ़िलहाल इतना है नहीं जितना देखा जा सकता है, अभी देखते हैं बाकी अंदर चलते हैं, अंदर की सिचुएशन क्या होती है फिर उस हिसाब से हम आपको अपडेट करेंगे। तो भाई अभी देखा जाए तो देखें यहाँ पे अभी भी इतना रश है, अभी चेकिंग वगैरह हो रही है और हम लोग अभी फ़िलहाल वेट वगैरह कर रहे हैं देखें और ना अंदर जाने की इतनी वेरिफिकेशन वगैरह कराने के बाद भी अभी भी इतना वेट करना पड़ रहा है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। निकल लो सूरज देखो सवा नहीं दे पा रहे यार, जिंदगी बर्बाद हो गई। A few moments later. तो भाई अभी फिलहाल ये है कि हम लोग इसी लाइन में खड़े हुए हैं और टॉस भी हो चुका है और पाकिस्तान टॉस जीत भी चुका है। क्या दिखा रहा है? अरे कहना क्या चाहते हो? अभी समझ आया? ओ भाई तराना हो रहा है, भाई तराना हो रहा है यार, फाइनली पहुंच गया यार। बस यहाँ पे ये मसला है, ये शेयर्स है ना आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन कैसी है। पैसा बर्बाद। तो भाई हमने अपने तशरीफ का टोकरा रख दिया है और अभी फिलहाल वहाँ पे ये है कि नेशनल एंथम वगैरह हो रहा है और अभी हम लोग फिलहाल वेट करते हैं। और न्यूजीलैंड वालों का भी हो रहा है, न्यूजीलैंड वालों का। बॉलिंग कर रहे हैं।
चलो बेटा सही सीट पकड़ो, सही सही। तारिक भाई देखो, तीन बिरयानी है, क्या है क्या ये? तीन बिस्किट जेब में और ये कहाँ से फोड़ा है? 250 की बिरयानी मिल रही है, इस पे रेट क्या लिखा हुआ है? 60 रुपए लिखा हुआ है। 100 का ये मिल रहा है। तीन बिरयानी कितने की है भाई? फुल लूटा जा रहा है, लेकिन ये कि फिर भी क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ी अच्छी मिसाल है यार। निकल लो भाई, अभी इस वक्त ये कि पहली इनिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है और टारगेट जो पाकिस्तान को दिया गया है वो कमोबेश 256 का है। दिखा दो ये देखिए। हम लोग ये कि आधे घंटे का ब्रेक वगैरह मिला, वहाँ पे थोड़ा लोगों का इंटरव्यू वगैरह हो रहा है, और समझ लें कि नसीम शाह 5 विकेट तो यार उसने ले लिया यार। नसीम शाह लव यू हो गया, बेहतरीन हो गया, मज़ा आ गया। और हारिस रऊफ माशाल्लाह फील्डिंग बेहतरीन, क्या हो गया, बॉलिंग बकवास है, लेकिन फील्डिंग यार यकीन करो बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया यकीन करो। लेकिन ये है कि अभी जब बैटिंग वगैरह होगी, लेकिन बैटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, और रात भी होने वाली है यार, घर भी जाना है, कैसे करेंगे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल 10 से 15 ओवर देखते हैं, फिर उसके बाद ये घर के लिए निकलेंगे यार। तो भाई हम लोग काफ़ी देर हो गई थी बैठे हुए, और अभी थोड़ा सा ये कि चल रहे फील्डिंग के लिए। हम लोग नीचे बिल्कुल ग्राउंड के इस वक्त हम लोग बिल्कुल सामने है। कई अब मैं तारिक बेचारा बहुत घूमे खाने पीने के चक्कर में, इसलिए वो पीछे ही बैठा हुआ है। और अगर हम देखते हैं तो ये सीन है, प्रैक्टिस सीन शुरू है, वहाँ पे बच्चे अंडर 19 वाले अबे वो ओवरे खेल रहे हैं। अगर देखें ना, ये देखें बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, और बाकी हमारी पिच वगैरह एक इस वक्त सेट हो रही है, और थक गए बैठे बैठे, खाना ख़राब हो चुका है। क्या कहोगे बेटा तुम? क्या जब देखना है तफरी हो, तफरी करो, टेंशन वाली बात नहीं है। 256 का टारगेट मिला है भाई, और अब देखते हैं कि हम लोग कितने ओवर्स में ये टारगेट अचीव कर पाते हैं। बहरहाल 10-15 ओवर देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी चले जाएंगे यार, बहुत रात हो जाए। तो भाई हमारे बीच एक ऐसी ख़तरनाक पर्सनैलिटी बैठी हुई है, और जिसको आपने ये है कि पहले देख चुके हैं। अच्छा, उस पर्सनैलिटी को जुगाड़े चार्जर वाला के वो दर्दी का बोझ है। चलो बात करते हैं यासीन खान की। यासीन खान, क्या फील हो रहा है आपको यहाँ पर बैठकर? यार माशाल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है, और हमारे जो न्यूजीलैंड प्लेयर है वो अच्छे खेल रहे हैं। अबे पाकिस्तान खेल रहा है पागल, मतलब अभी इसके बाद खेले नहीं, न्यूजीलैंड खेल चुका है। अबे जब खेल चुका है तो अच्छा खेल। हाँ माशाल्लाह हमारी टीम ने 256 रन बनाए। अबे न्यूजीलैंड ने 256 बनाए, न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ अभी। अच्छा तुम्हारी टीम में न्यूजीलैंड है, अच्छा। और इंशाल्लाह यही पाकिस्तान से, थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा तेज बोलो, यही पाकिस्तान से हम नया कप लेके जाएंगे, और ये हमारी अजम है, क्योंकि माशाल्लाह हमारा मुल्क तो वैसे भी गुर्बत में डूबा हुआ है, तो ये कप न्यूजीलैंड को भी दे रहे थे इसमें कितना भाई न्यूजीलैंड का बंदा तो ये लग रहा है, ये न्यूजीलैंड का बंदा लग रहा है। माशाल्लाह हमारे मुल्क का जो भी सूरत हाल है, आटा का भी नया रेट मैंने सुना, हाँ 150 रुपये किलो नहीं, आटा जो है ना अभी तकरीबन 1400 का मार्केट रेट चल रहा है। हाँ। और इंशाल्लाह बहुत करीब सस्ता हो जाएगा, खान आएगा के साथ फिर खुशी आएगी इंशाल्लाह। आप सब हमें अपने दुआओं में याद रखें, फिर यही हमारी जो दिन रातें थी इंडस में जो कट रही थी वो इंशाल्लाह करीब ख़त्म हो जाएंगे। हाँ। और ये जो हमारी इतनी अच्छी गैदरिंग है ये भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ। लेकिन इंशाल्लाह जब तक भाई इंजीनियर बन के निकलेंगे ना यार, क्या हो गया तुम्हें, गम किस बात का है भाई? हम दुनिया का वो वाहिद इंजीनियर निकलेंगे। अच्छा, जो पहले स्क्रिप्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक जुगाड़ी चार्जर बना के दिखाया, अब इस तरह और भी जुगाड़ी चीजें बना के दिखाएंगे। हाँ देखो भाई, पाकिस्तान तो बेसिकली चल रहा है ना, वो चली जुगाड़ पर है ना, तो हमें भी जब तक जुगाड़ करना नहीं आएंगे तो इंजीनियर कैसे खिलाएंगे बताओ? सही बोला नहीं बोला भाई? आपकी जबरदस्त बात नहीं है, लेकिन एक मसला हमारे पास यहाँ आ रहा है, हमारे बीच में ये एक जबरदस्त पर्सनैलिटी बैठी है, इसका मसला ये है जब ये खड़ा होता है तो ये काम का रहता है प्रेजेंटेशन की सूरत में, तो कोई मसला नहीं है, बेचारे को पसीना बहुत है, कॉन्फिडेंस की कमी है यार। नहीं मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये वो लड़का है जिसने हमको
कबाब चीज खिलाई थी वो भी तकरीबन 9000 रुपए का बिल जो हमारा बना था उसके हिसाब से। इनको मैं यही बोल रहा हूँ कि माशाल्लाह तुम्हारा तो एक सरमन ही एक बेटा आप दुनिया में घूम रहा है लेकिन तुम्हारे फिर भी क्यों कहा बेटा आप रही बोल 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 तू बोल मैं सब कट करूंगा तू बेबी करो यार तू बोल तो भाई क्या हुआ जब काट करो बाकी 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 भाई हमारे पास एक ऐसा नामोर शख्स मौजूद है जिसका नाम तारिक जावेद है। ये हमारा न्यूजीलैंड का प्लेयर है और और ये जो तारिक भाई है बेसिकली ये मेरे तरह न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने वाला है और ये वही बात करता है जो शायद अनवर अपनी वीडियोस में करता है। गरीबो गरीबो कैसे हो गरीबो गरीबो तुम अपना टाइम इधर क्यों बर्बाद कर रहे हो जाओ अमेज़न को खरीदो उस पे काम करो। इंशाल्लाह ऐसे मंगनी के प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक वस्सलाम वस्सलाम। भाई यासीन भाई की स्पीच जो है खत्म हो चुकी है सारी स्क्रिप्टेड थी हमने लिख लिया था पहले से ही सही है। भाई अभी सब हम लोग जा रहे हैं सब चीज़ें खत्म हो गई हैं यार। हाय 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 क्या खूबसूरत मंज़र है। और अभी फ़िलहाल ये कि हम लोग बाहर आ चुके हैं और अभी हम लोग यार हमारी बॉटल ना गेट नंबर 7 की तरफ रह गई है तो हम वहाँ से अपनी बॉटल को पिक करेंगे क्योंकि इन लोगों ने ना सारा सामान यहीं पे ले लिया था हमसे। तो भाई ये देखो हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी खासी बड़ी है यार ऐसा लग रहा था छोटी सी और ये नेशनल स्टेडियम बिल्कुल फ्रंट पर अच्छा लग रहा है यार। नहीं नहीं यार अच्छा लग रहा है कभी कभी लगता है यार। हाँ यही 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 वाली यही वाली है उससे मैंने छिड़ा रहा था अभी आप बताएं आपकी है। हाँ हाँ ये मेरी बॉटल है मैं आपको अगर हाँ हाँ वो सही तो भाई अपनी बॉटल ले लिए अब जाएंगे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से जाके फिर घर निकलेंगे ठंड पड़ते जा रही है। तारिक में मज़ा आया कि नहीं आया ये बताओ। मज़ा आया बहुत मज़े किए बहुत ज़्यादा ही मज़े किए। वी आर रीच्ड एट आर यूनिवर्सिटी तो अब अभी हम यहाँ से एक बैग वगैरह उठाएंगे अपने बैग उठाएंगे और जैकेट वगैरह पहनेंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से भी चलते हैं ऊपर। 2000 years later तो भैया अभी इस वक्त ये कि हम लोग घर पहुँच गए हैं और अभी देख सकते हैं कि अभी जैकेट वैकेट भी नहीं उतारी है तो एक बड़ी फटाकेदार खबर आई है कि भाई पाकिस्तान जो है मैच जीत चुका है वो भी 6 विकेटों के साथ सही है। तो आज का व्लॉग उम्मीद है कि आपने इंजॉय किया होगा बस सब्सक्राइब कर दो सही है सब्सक्राइब कर दो और उसको शेयर भी कर दो कोई मसले वाली बात नहीं कर दो क्योंकि यार टाइम की बड़ी कमी होती है बड़ी किल्लत है तो यही दो तीन दिन ऐसे आते हैं ना बड़े बड़े दिन तो जिसमें ये है कि करीब भी हो टाइम की थोड़ी सी बचत भी हो तो इसलिए ये कि फिर ब्लॉग वगैरह कर लिया करते हैं। तो तब तक आप अगर आप लोग चाहते हैं कि यार 2 व्लॉग्स और आ जाएँ तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन होता ना बराबर में हाँ यहाँ 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 इसी के बिल्कुल ऊपर तो घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और ये दो आने वाले 2 व्लॉग्स आप और इन्जॉय कर सकें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं अल्लाह हाफिज़। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे बाय वो है।